तेरा रिएक्शन क्या था जब तेरी फोटो को इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फोटोग्राफी में आई तेरी फोटो, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन एज वेल एज तेरी फोटो फीचर हो रखी है व्यू बग और फ्लिकर वगैरह पे भी, तो क्या रिएक्शन था तेरा? इट फील्स लाइक यू आर इन द हेवन. मतलब ऐसा था कि पहले तो मुझे यकीन था नहीं, हुआ ही नहीं था। हुआ क्या है कि ये इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फोटोग्राफी जो है ना न्यूयॉर्क में, इनका वो है ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, स्टूडियो जो भी है, क्या कहते हैं उसको, एग्जीबिशन सेंटर है न्यूयॉर्क के अंदर। हाँ, तो उनका कुछ उस टाइम पे ना कुछ किसी कोई हैशटैग उन्होंने निकाला था, उस हैशटैग पे उनके फोटो सबमिशन चल रहे थे एग्जीबिशन के लिए। तो वो कह रहे थे कि इस हैशटैग पे आप अपना जो इमेज शेयर करो और आपको जो है फिर हम देखेंगे। तो क्या हुआ कि मैंने सबमिट कर दी अपनी कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, मैंने सबमिट कर दी। मुझे था भी नहीं यकीन खैर होगा क्योंकि इतने सारे लोगों में करना था, तो सडनली पहली पहली बार नहीं हो सिस्टम। पाता. हाँ, तो उससे पहले भी मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन में किया था, कुछ होता नहीं, कुछ कुछ नहीं। तो क्या है कि सडनली एक दिन मैं बैठा सिस्टम पे, मैंने मेल आईडी खोली तो मेल आया होता है इनकी तरफ से, यही आईसीपी वालों की तरफ से, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फोटोग्राफी, इनकी तरफ से मेल आया हुआ था कि आपका जो है ये फोटोग्राफ आपकी सिलेक्ट हुई है, तो हम आपको जो है इसके रिगार्डिंग एक और कॉन्फर्मेशन मेल भेजेंगे जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि आपको सोशल मीडिया पे शेयर करना है तो आप कैसे कैसे कर सकते हो। तो इस डेट पे, इस पर्टिकुलर डेट पे आपका एग्जीबिशन वहां पे लगेगा, आपकी फोटो एग्जीबिशन में सारी फोटोग्राफ्स के साथ में लगाई जाएंगी। तो मेल, मैंने भाई मेल पढ़ा, पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने बोला यार इन्होंने गलत तो नहीं भेज दिया, गलत बंदे को मेल भेज दिया हो। तो मैं हाँ, तो मैंने बार बार, हाँ मैं बार बार बैक कर रहा हूँ उसको, और फिर मैंने देखा मैं अपनी ईमेल आईडी चेक कर रहा हूँ, अगर होता है ना ईमेल आईडी राइट हैंड साइड में, मैं चेक किया, हाँ यार खोली तो मेरी है, किसी कोई और ईमेल आईडी भी नहीं है, मेरी है। तो मैंने दोबारा खोला, मैंने दोबारा पढ़ा, फिर नीचे नाम भी था मेरा बकायदा, विपिन बलोनी ये वो, और जो भी उनका सेंटर के जो हेड थे उनके सिग्नेचर वगैरह बॉटम आप होता है। मुझे फिर यकीन हुआ कि हाँ यार भाई रियलिटी है। तो अंदर से उस टाइम पे तो फिर हाँ अपन ही है यार ये, तो मैं ही, मेरे मेरे मुझे ही, हाँ मुझे ही एड्रेस किया गया है। तो फिर तो बड़ा अच्छा लगा, तब पहली बार लाइफ में ऐसा मेरे को फील हुआ। हार्ड वर्क पे ऑफ. हाँ, हार्ड वर्क पेज ऑफ, कि जो मतलब ऐसा होता है ना कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, आर्टिस्ट की बात नहीं है, किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अगर रिकग्नाइज किया जाता है, आपके काम की सराहना होती है, तारीफ की जाती है, हर किसी को अच्छा लगता है। और फिर वो भी अगर इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो जो कि यार इंटरनेशनल सेंटर है वो फोटोग्राफी का, जहाँ पे कि बहुत सारे अलग अलग वर्ल्ड के फोटोग्राफर्स है, वहाँ पे अगर रिकग्नाइज किया जाएगा, तो फिर मतलब कुछ दिन तक तो मैं मतलब अलग ही नशे में था, मुझे ऐसा लग रहा था। फिर उनका एक और मेल फिर उनका एक और मेल आया, फिर उन्होंने मुझे लिंक्स वगैरह भेजे कुछ कि भाई आप यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ देख सकते हो, और फिर अगर आपको अगर शेयर करना है सोशल मीडिया पे, तो वो बकायदा वो देते हैं पूरा टेम्पलेट कि आपको अगर सोशल मीडिया पे शेयर करना हो तो ये टूल किट वगैरह है, देते हैं टूल किट, बहुत खतरनाक वर्ड है वैसे भी आजकल तो है ना, कनेक्ट कर लेना। हाँ, तो भाई वो उन्होंने दिया, तो फिर मैंने वो शेयर वेयर किया, मतलब अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। व्यू बग और फ्लिकर पे तो एक बार नहीं, वहां पे तो कई बार ही मेरी फोटोज फीचर हो चुकी है, मतलब इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फोटोग्राफी इज द बिगेस्ट थिंग, मतलब हाँ वो मतलब अभी तक का मेरा सबसे बड़ा है। हाँ, और वो भी वो मेरा अभी तक इंडिया का से सबसे बड़ा बाहर. है। हाँ, वो भी इंडिया से बाहर, वो मेरे लिए सबसे बड़ा था। फिर उसके बाद में वही देख करके ना मेरी किसी से बातचीत हो रही थी, कोई पेंटर है रंजन कॉल नाम है उनका, बहुत अच्छे पेंटर है मतलब। हाँ, उन फिर उन्होंने भी वो चीज देखी थी, फिर हमारी उस चीज के रिगार्डिंग बात हुई, और फिर उनके साथ में भी मैंने एक इंटरव्यू किया था, मतलब वो रिटर्न इंटरव्यू था उनके, उन्होंने अपनी उनकी मैगजीन है, कोई ऑनलाइन मैगजीन है आर्ट एमोर नाम से, आर्ट एमोर डॉट कॉम है या डॉट इन है, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वहां पे उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू सेशन था, वो वहां पे हुआ था, वो अभी भी है। आर्ट एमोर मैंने, हाँ शायद डॉट इन है, हाँ सही करा था, मुझे भी याद नहीं, इन है डॉट इन, मैं एक मिनट मैंने पढ़ा था, भाई आर्ट एमोर डॉट इन है, डॉट इन है ना, डॉट इन है, डॉट इन है, और वहां पे आर्ट एमोर डॉट इन में क्वेश्चनेयर जो सेक्शन है ना, क्वेश्चनेयर का सेक्शन है, वहां के अंदर जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहां पे एक मेरी फोटो दिख जाएगी, उस पर लिखा हुआ होगा विपिन बलोनी क्लिक ऑफ साइलेंस। तो वहां पे मेरा इंटरव्यू है, मैं एक बार दिखाता हूँ ना, ये रहा विपिन बलोनी क्लिक ऑफ साइलेंस। हाँ, तो ये पूरा मतलब फोटोज फीचर की थी और कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह थे। तो वो इस वाले अवार्ड के बाद में उनको जब पता चला या जो भी हुआ, तो उसी से मतलब सब कुछ हुआ था। अच्छा था, अचीवमेंट अचीवमेंट है। हाँ, मतलब अब थोड़ा मैं मॉडेस्ट बनूंगा ना यार
अचीवमेंट तो खैर क्या है, मतलब ये है कि अच्छा लगता है, अगर मैं प्लेनली फ्रेंकली बोलूं तो अच्छा लगता है, बढ़िया लगा मुझे। नहीं, अच्छा है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, अच्छी बात है। हाँ हाँ बढ़िया है, मतलब अच्छा लगता है।